हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। आज हम वलसाड एक्सप्लोर करने वाले हैं। वलसाड के आसपास कौन सी ऐसी हिस्टोरिक टेंपल या लोकेशन है जो आप अपनी फैमिली के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, उसी में से ये आज का पहला वीडियो है। ये विश्वम्भरी धाम, तो आप देखिए कितना भव्य मंदिर है। तो वलसाड से करीब 15 किलोमीटर दूर यह मंदिर है। तो चलिए इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे हिस्टोरिक टेंपल और लोकेशन मैं आपके लिए ला सकता हूँ। दोस्तों, विश्वम्भरी धाम जो वलसाड से करीब 15 किलोमीटर दूर पार नदी के किनारे राबड़ा गाँव के पास आया हुआ है। तो यहाँ से मेन एंट्री है। तो वलसाड से करीब 15 किलोमीटर दूर राबड़ा गाँव के पास आया हुआ ये मंदिर है। तो आपको बीच में थोड़ा सा रोड 1-2 किलोमीटर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मिलेगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे आप। और यहाँ पे पार्किंग चार्ज है, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। बाइक के लिए 5 रुपया है, कार के लिए 20 रुपया है, और मिनी बस और सब के लिए 100 रुपया है। और ये सारा पैसा जो आप देते हो, ये सारा पैसा गौ सेवा में यूज़ होता है। तो यहाँ पे अंदर गौसेवा है, गौशाला है, उसी में आपका ये जो पार्किंग चार्ज है वो उसमें यूज़ होता है गाय की सेवा में। और ये नेचुरल पार्किंग है, आप देख सकते हो कि पूरा पेड़ है आसपास और नेचुरल पार्किंग है, और आसपास खेती और वो सब है। यहाँ पे बस के लिए है, कार के लिए वहाँ पर है, बाइक के लिए वहाँ पर है। दोस्तों, यहाँ पार्किंग एरिया में आप पेड़ के नीचे, पेड़ के छाव के नीचे आप बैठकर आराम कर सकते हो और अपनी थकान दूर कर सकते हो। और यहाँ पूरे मंदिर परिसर में और पार्किंग एरिया में यहाँ पे श्री विट्ठल भाई के सुविचार लिखे हुए हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम में जाने के लिए यहाँ से रास्ता एंट्रेंस है, और यहाँ पर नियम है जो पालन करना है। तो छोटे कपड़े नहीं पहनना है, दुपट्टा लगा कर जाना है, और पालतू कुत्ता, घुटका, तंबाकू, कचरा नहीं फैलाना है। तो वो सब यहाँ पर निर्देश दिया हुआ, और पूरा नीट और क्लीन रखना है परिसर को। दोस्तों, जैसे आप मंदिर के परिसर के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपकी नज़र यहाँ के परिसर पे जाएगी, जो कितना नीट और क्लीन यहाँ पर रखा हुआ है। मंदिर के बाजू में यहाँ पे यज्ञशाला है, जहाँ पर यज्ञ और हवन होता है। आपको ये मंदिर बाहर से हब जैसा दिखाई देगा या शॉपिंग मॉल जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये मंदिर है। अंदर विश्वम्भरी माता का मूर्ति है,
और बहुत ही अलौकिक और खूबसूरत तरीके से अंदर जो बनाया हुआ है, जो अंदर का डिज़ाइन है गैलेक्सी जैसा, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और बहुत ही पवित्रता आपको मीन्स इतना आपको पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। और ऊपर कैलाश बनाया हुआ है, लेकिन अंदर वीडियो शूट और फोटो शूट अलाउ नहीं है। तो नियम का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर के ऊपर कैलाश बनाया हुआ है। यहाँ मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर भी मानव जीवन के अंदर कौन से गुण होने चाहिए वो यहाँ पे दर्शाया हुआ है, लिखा हुआ है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बात करें तो ये मंदिर 8 साल पुराना है और श्री विश्वम्भरी माता की आज्ञा से और श्री विट्ठल भाई के दृढ़ संकल्प और प्रेरणा से ये मंदिर महज सिर्फ 90 दिनों के अंदर बना। दोस्तों श्री विट्ठल भाई जब छोटे से थे उनको एक जिज्ञासा हुई कि इस धरती पर सबसे बड़ा कौन है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये इनकी इच्छा इतनी प्रबल और दृढ़ संकल्प थी कि उन्होंने श्री विश्वम्भरी माता की भक्ति की और इतनी भक्ति की कि विश्वम्भरी माँ ने उनकी 16 प्रकार की परीक्षा ली और श्री विट्ठल भाई उन सभी परीक्षा में खरे उतरे। और आखिरी परीक्षा माँ विश्वम्भरी माँ एक 16 साल की कन्या यानी मोहिनी का रूप लेकर श्री विट्ठल भाई के पास आई और प्रलोभन देने लगी और श्री विट्ठल भाई वो परीक्षा में भी खरे उतरे और विश्वम्भरी माँ ने उनको अपना स्वरूप का दर्शन दिया और विट्ठल भाई को महापात्र के नाम से नवाजा। और विट्ठल भाई और माँ भवानी विश्वम्भरी माता के बीच में 45 मिनट बात हुई और विश्वम्भरी माँ ने विट्ठल भाई को मानव चरित्र किस तरीके से जीना चाहिए वो समझाया। तो आप मंदिर आते हो तो इसी मंदिर में आपको मानव चरित्र कैसे होना चाहिए और मानव जीवन कैसे जीना चाहिए वो यहाँ पर आपको पता चलता है। प्रसाद घर है, आपको यहाँ पे प्रसाद मिलेगा और वहाँ पर लस्सी छाछ मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे गोकुल में जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का घर था और यहाँ पर दृश्य है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पे उठाया था। तो गोवर्धन पर्वत के सामने यहाँ पर बाजू में यहाँ पे नंद बाबा का घर बताया हुआ है जहाँ पर यशोदा माँ मक्खन बनाती है और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में और मक्खन खाते हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे तीर्थ धाम की क्या महिमा है इस अलौकिक जगह की वो यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और यहाँ पे ये मंदिर जो है ये मंदिर 90 दिनों में बना हुआ और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे डिटेल है कि भूमि पूजन कब हुआ और प्राण प्रतिष्ठा कब हुई और ये बिना किसी आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बिना यहाँ पर श्री विट्ठल भाई जी ने यहाँ पर ये बनवाया। और यह मनुष्यों को कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए माँ विश्वम्भरी ने यहाँ पर दिया है, कर्तव्य कर्म, कर्म भक्ति और कर्म योग, ये 3 संदेश जो मनुष्यों के लिए है। तो यहाँ पर आपको लस्सी छाछ मिल जाएगा जो छाछ का 10 रुपये और लस्सी का 50 रुपये है। और इसी मंदिर के परिसर में यहाँ पर हाथी और हाथी के बच्चे को यहाँ पर बताया हुआ है जो दिखने में एकदम रियलिस्टिक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नीट और क्लीन और स्वच्छ रखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो भी यहाँ पर डस्टबिन में डाला जाता है।
तो यहाँ पर महापात्र श्री विठल भाई ने मनुष्य के जीवन में 17 वैदिक गुण होने चाहिए और मनुष्य के जीवन के सभी सवालों का समाधान यहाँ पे 9 बातों में बताया हुआ है। दोस्तों, इस गौशाला का नाम वैकुंठ धाम है। तो गायों को हम माता कहते हैं, तो उनका स्थान कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया हुआ है। गौशाला है, लेकिन अभी सभी गायों को वहाँ शिफ्ट किया है। लेकिन आप देखिए, जो गाय के लिए जो गौशाला है कितना नीट और क्लीन है, और यहाँ पे बहुत ही सेवा की जाती है गायों की। हमारे साथ हितेश भाई है जो अभी यहाँ पे हमें गौशाला घुमाएंगे। तो ये गाय का चारा है दोस्तों, ये गाय का चारा देखिए कितना नीट और क्लीन और हाइजीन तौर पर रखा हुआ है, और यही गाय को देते पहली चार से ऊपर ना चुनीदार। दोस्तों, ये मकाई है, जो मकाई का पाउडर यहाँ पे बनाया दिया जाता है और चारा के तौर पर सभी मिक्स होकर यहाँ पर गायों को दिया जाता है। लेसो ये घाव आज है, मकाई नहीं, मकाई जो आप अभी तक भी नहीं कोई बना है। तमाम मैं गाय ने सो खड़ा हूँ, मकाई घास खान के भाई खान बड़ी मिक्स हुआ है, मकाई थोड़ी ना पानी में पलड़ रहा है। पानी पीवन जो कैसे चखो। अभी सभी गायों को यहाँ पर रखा हुआ है और गायों का पूरा विशेष तरीके से ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। हम लोग ने अभी उनका अभी जो चारा देते वो देखा कि कितना मल्टीग्रेन तरीके से वो दिया जाता है हाइजीन तौर से। और यहाँ पर जो गाय को जो पीने के लिए पानी जो रहता है वो भी यहाँ पे पूरा साफ सुथरा है। देखो यो रहती ना चली કઈ પણ ગંદકી કીચડ કાદો કઈ વસ્તુ નહીં જો। दोस्तों, ये गाय का परिसर आप देखिए कितना नीट और क्लीन तरीके से यहाँ पर गाय की सेवा की जाती है। हम गायों को माता कहते हैं और माता को किस तरीके से रखा जाए वो ये बेस्ट उदाहरण है। गाय को माता कहते हैं तो माँ के जैसा रखने का बराबर। तो ये बहुत ही मतलब बेस्ट उदाहरण है जो सभी जो गौशाला रखते हैं और जो गाय को पालते हैं, तो ये एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। उसको एक प्रेरणा मिलती है कि कैसी गौशाला होनी चाहिए। तो गर्मी का मौसम आने वाला है तो यहाँ पे देखिए गायों के लिए भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी है, फैन है सब जगह पे। दोस्तों, अभी यहाँ पे चैत्र नवरात्रि आ रही है तो यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 6:30 से 12:30 बजे तक महायज्ञ होने वाला है। आप स्कैन करके लाइव देख सकते हो। दूसरा, महाआरती होने वाली है रात को जो 9 बजे होती है। दूसरा, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रास गरबा वो रात को 9:30 बजे तक होगा। आप एक QR कोड स्कैन करके आप लाइव देख सकते हो। अभी हम पंचवटी की ओर जाते हैं तो जहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माँ यहाँ पर विराजमान है वो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यहाँ पर गाय के छोटे छोटे जो बछड़े रहते हैं वो यहाँ पर है। तो
तो यहाँ मंदिर के परिसर में यहाँ पर कैंटीन है जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और खाने का टेस्ट भी अच्छा मिलेगा आपको। दोस्तों विश्वंभरी धाम की यात्रा यही समाप्त करते हैं। दोस्तों ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ पर मनुष्यों को किस तरीके से जीना चाहिए, मानव चरित्र कैसा रहना चाहिए, मानवता का क्या कर्तव्य है वो यहाँ पर समझाते हैं और यहाँ से सीखने मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते, होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी दूसरे वीडियो पर हम लोग पारनेरा हिल जाएंगे जो अतुल पे है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ है, किला है, और चंडिका माँ, चामुंडा माँ और महाकाली माता का मंदिर है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, हर हर महादेव।